बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है, जहां कामान किशोर ने 5 साल की बच्ची के साथ किया दुष्कर्म। चचेरे भाई पर ही बच्ची ने लगाया आरोप। खेत पर काम करते वक्त टॉफी का लालच देकर साथ ले गया था आरोपी। ब्लीडिंग बंद नहीं होने पर पुलिस ने बच्ची को कराया जिला अस्पताल भर्ती। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत होने पर कानपुर रेफर किया गया। आरोपी किशोर को पुलिस ने हिरासत में लिया। ठटिया थाना क्षेत्र की बताई जा रही है पूरी घटना। आज दिन में 1 बजे के आसपास थाना ठटिया पर एक महिला ने आकर तहरीर दी कि उसकी बेटी, जिसकी उम्र करीब 5.5 साल है, अपनी दादी के साथ खेत पर गई हुई थी। वहीं पड़ोस में खेत पर काम कर रहा एक युवक उसकी बच्ची को बहला फुसला कर ले गया और उसके साथ दुराचार किया। इस तहरीर पर तत्काल थाना ठटिया पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त की उम्र भी 16-17 साल ही बताई जा रही है। बच्ची का वो आरंभिक रूप से सदर हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा गया, जहां से उसे कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है, लाइन रोड की कोई समस्या नहीं है।